Hello friends, in this video we are going to discuss about noun case. This topic is basically chapter 6 for grade 6. The material is taken from Essential of English Grammar and Composition. So without wasting time, let's start our chapter. सबसे पहले अगर हम बात करें तो noun case में हम दो केसेस बात करेंगे. एक केस हम बात करेंगे नॉमिनेटिव केस एंड सेकेंड हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस के बारे में. तो नॉमिनेटिव केस या फिर सब्जेक्टिव केस क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं. व्हेन अ नाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, जब किसी वर्ब का कभी एक सब्जेक्ट की तरह कोई नाउन अगर किसी वर्ब का सब्जेक्ट की तरह ट्रीट होता है तो उसको हम बोलते हैं उसका नॉमिनेटिव केस है. जैसे नव्या एट आइसक्रीम, हु एट आइसक्रीम, नव्या. तो ये जो नव्या है, नव्या स्टार्टिंग में लगा हुआ है, ये हमारा सब्जेक्ट. ये जो सब्जेक्टिव केस है ये नॉमिनेटिव केस हो गया. ऐसे द क्वेश्चन इज रॉन्ग, व्हाट इज़ रॉन्ग, द क्वेश्चन. तो ये जो स्टार्टिंग में लगा हुआ है इज वर्ब से पहले दिस इज आर सब्जेक्ट. एट वर्ब से पहले दिस इज आर सब्जेक्ट. तो वर्ब से स्टार्टिंग में, वर्ब से पहले लगता है जो वर्ड, जो नाउन, उसी को हम बोलते क्या है, सब्जेक्टिव केस बोलते हैं. तो नव्या इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एट. एट वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, नव्या. एंड द क्वेश्चन इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज वर्ब जो उसका सब्जेक्ट है वो कौन है, हमारा क्वेश्चन. तो द नाउन नव्या एंड द क्वेश्चन आर द नॉमिनेटिव केस हियर. तो यहाँ पे क्या है, ये नॉमिनेटिव केस है. तो कहता है नोट करना है, कहते चैप्टर 2 जब हमने पढ़ा था, वी हैव ऑलरेडी लर्न हाउ टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. कैसे करते हैं, वर्ड लगा देते हैं. ये भी सब्जेक्ट जो नॉमिनेटिव केस होता है, जो सब्जेक्ट होता है उसको फाइंड करना हमने चैप्टर 2 में समझा था. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट चैप्टर में समझाया है. अगर आपको थोड़ा डाउट है तो वहाँ से एक बार रिकैप कर लेना. तो हेयर इज़ अनदर टिप टू फाइंड यू. दोबारा से एक फिर से टिप है कि सब्जेक्ट किस तरह से फाइंड कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल टू फाइंड द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, पुट कर दो हु या वट वर्ड लगा दो, उससे पता चल जाएगा. हु एट द आइसक्रीम, नव्या एट द आइसक्रीम. तो नव्या कौन है यहाँ पे, सब्जेक्ट. वट इज़ रॉन्ग, क्या रॉन्ग है सेंटेंस में, क्वेश्चन इज रॉन्ग. क्वेश्चन इज रॉन्ग था ना, तो वट इज़ रॉन्ग, क्वेश्चन. तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट. टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, पुट हु एंड वट बिफोर इट. द आंसर विल टेल यू द सब्जेक्ट इज. जो आंसर आएगा वही उस सेंटेंस का क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, नॉमिनेटिव केस होगा. नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूसेटिव केस क्या होता है, तो जो भी ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा, मतलब वर्ब के जो लास्ट में, वर्ब के जो बाद में लगेगा, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस. अब ऑब्जेक्ट भी दो टाइप का होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. जो वर्ड का आंसर देता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो वर्ड का आंसर नहीं देता पर वर्ब के बाद लगता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. डिटेल में आप हायर क्लासेस में इसके बारे में पढ़ोगे, बट फिलहाल के लिए बात समझते हैं. व्हेन अ नाउन इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होता है कोई नाउन, इट इज सेड टू बी ऑब्जेक्टिव केस. फिर उसे एक्यूजेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं. जैसे नव्या एट आइसक्रीम, नव्या एट वॉट, क्या खाया उसने, आइसक्रीम. वर्ब के बाद लगा है, ऑब्जेक्टिव केस है. फादर प्रेज्ड करण फॉर हिज सिंसियरिटी, फादर प्रेज हुम, किसकी प्रेज करी, करण की. ठीक है, तो करण क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है. तो आइसक्रीम इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एट इस वाले में, एंड करण इज अ ऑब्जेक्ट फॉर द वर्ब प्रेज्ड. प्रेज्ड के लिए क्या है, करण एक हमारा ऑब्जेक्ट है. तो नाउन आइसक्रीम और करण जो हुए इसके ऑब्जेक्टिव केस हुए, एक्यूसेटिव केस हुए. अगेन वर्ब से पहले जो लगा ये सब्जेक्टिव केस है, वर्ब के बाद जो लगा है वो ऑब्जेक्टिव केस है. वर्ब से पहले जो लगा है वो नॉमिनेटिव केस है, तो वर्ब के बाद जो लगा है वो एक्यूसेटिव केस है. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्या कहता है, टू फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, पुट वट एंड होम वर्ड लगा दो उन वर्ड्स की जगह पे. नव्या एट वट, आइसक्रीम. तो आइसक्रीम क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है. सो आइसक्रीम इज एन ऑब्जेक्ट. फादर प्रेज हुम, किसकी प्रेज की है, करण की. सो करण इज एन ऑब्जेक्ट. टू फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, पुट वट एंड होम आफ्टर इट. तो वर्ब के बाद वट और होम वैसे कुछ वर्ड लगाओ. अगर कुछ नॉन लिविंग लगता है तो वट लगा लो, और लिविंग लगता है तो होम वर्ड लगा के चेक करो. वहाँ से आपको ऑब्जेक्ट का आंसर मिल जाएगा कि गिवन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है. नेक्स्ट अगर हम बात करें पोजेसिव केस के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का. तो पोजेसिव केस में आपने सुना होगा राम्स कार, राम अपोस्ट्रोफी कार. ठीक है, तो बंच ऑफ फ्लावर्स, ऐसे ऐसे पढ़े ना, ऑफ जैसे हम लगाए बंच ऑफ फ्लावर्स, ऐसा हमने पढ़ा है. तो ये जो ऑफ है, फ्लावर्स का बंच, राम की कार, तो ये जो है पोसेशन है. राम की कार, आपका पेन, आपकी बुक, आपका फ़ोन है ना, आपका टैबलेट, आपका एंड्रॉइड, इस तरह से. तो जो पोसेशन, आपका बैग. ठीक है, तो राधा की बुक से फॉर एग्जांपल, तो कहते हैं जो नाउन जो पोसेशन शो करते हैं, ये बता दे कि ये चीज़ उसकी है, राधा की है, सीता की है, आपकी है, उन वर्ड्स को हम बोलते हैं पोसेशन। और जो नाउन होगा दैट इज़ पोसेसिव केस हो जाएगा। जैसे अनुज बैग इज ऑन द टेबल, अनु का बैग कहाँ पे? टेबल पे। तो ये अनुज बैग, अनु का बैग है। पोस्ट ऑफिस क्या दिखा रहे हैं? यहाँ पे पोसेशन दिखा रहे हैं। डॉग बाइट द कैट्स टेल, कैट की पूछ पे, कैट की टेल पे उसने कैट, पोस्ट ऑफिस क्या दिखा रहे हैं? पोसेसिव केस लगा रहे हैं, इसका पोसेशन शो कर रहा है। अनुज बैग में बैग पोसेस्ड बाय अनु हो गया या बैग बिलोंगिंग टू अनु हो गया। ऐसे सेंटेंस टू में क्या हो गया? कैट्स टेल मतलब जो कैट है, टेल है वो कैट की थी, टेल बिलोंगिंग टू कैट हो गया। ये जो अपोस्ट्रोफी वर्ड लगा है पोसेशन के लिए शो कर रहा है, इसको हम अपोस्ट्रोफी बोलेंगे। और जो पोसेशन केसेस होते हैं यूज टू कन्वे मैसेजेस अदर देन पोसेशन ऑल्सो, मैसेजेस और भी शो करते हैं पोसेशन के अलावा, उनको भी देख लेते हैं। जैसे लॉर्ड रामास टेम्पल की अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं कि राम का मंदिर। राम का मंदिर मीन्स ऐसा मंदिर जिसमें राम की पूजा की जाती है। डजेंट मीन कि किसी पर्सन का नाम रामा है तो उसका मंदिर, ऐसा नहीं है। ऐसा मंदिर जिसमें राम की पूजा की जाती है, शिवालय मंदिर। तो शिवालय मीन्स शिव की पूजा की जाए जहाँ पे, ठीक है। तो वो क्या हो गया? लॉर्ड रामास मंदिर, द टेम्पल इन विच लॉर्ड रामा इज वर्शिप्ड, ठीक है। वर्ड्सवर्थ पोएम मतलब ऐसी पोएम जिसके शब्दों की वैल्यू हो, वर्थ हो, कीमत हो। द पोएम रिटन बाय वर्ड्सवर्थ, ऐसा भी बोल सकते हैं। वर्ड्सवर्थ किसी का नहीं। डॉग्स फूड मतलब ऐसा फूड जो कुत्तों के खाने लायक हो, फूड मेंट फॉर द डॉग, उसको बोल दिया पोसेशन वर्ड आया, ठीक है। तो पोसेशन में अब एक बात पोसेशन क्लियर करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर किसी लिविंग के लिए लगाओगे तो अपोस्ट्रोफी लगाओ। जैसे राधास बुक, दो वर्ड लग सकते हैं, आप लिख सकते हो राधास बुक, राधास अपोस्ट्रोफी एस बुक, ऐसे भी लिख सकते हो। या फिर हम बोल सकते हैं बुक ऑफ राधा, बुक ऑफ राधा भी बोल सकते हैं ना, बुक ऑफ राधा, ऐसे बोल सकते हैं। दोनों का मतलब है राधा की बुक, लेकिन ये गलत है। हमें अपोस्ट्रोफी एस लगाना है जब लिविंग के बारे में बात कर रही होगी। जब नॉन लिविंग के बारे में बात करोगे हाँ, तो फिर हमें ऑफ वर्ड लगाना है। तो क्या कहते हैं? द हाउस ऑफ माई अंकल, ये गलत सेंटेंस है। क्या लिखेंगे? माई अंकल्स हाउस। द पैलेस ऑफ द किंग, गलत है, किंग लिविंग है तो किंग्स पैलेस होगा। द कार ऑफ मिस्टर दास, मिस्टर दास कार, ठीक है। तो ये हमें इस तरह से करने हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में देखो ये अंकल, अंकल के लास्ट में पोस्ट्रोफीस लगाया, किंग के लास्ट में पोस्ट्रोफीस लगाया, दास के लास्ट में पोस्ट्रोफीस। अब एक बात ध्यान रखना, अगर किसी वर्ड के लास्ट में ऑलरेडी एस है, ऑलरेडी एस है, तो आप ट्राई करना सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाओ, अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना। मॉडर्न इंग्लिश में अपोस्ट्रोफी एस भी चलता है और अपोस्ट्रोफी भी चलता है। तो हम बस ये ध्यान रखेंगे जिन वर्ड के लास्ट में पहले से ही एस होता है उनके लास्ट में सिर्फ हम अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, और जिन वर्ड के लास्ट में एस नहीं होता है उन वर्ड के लास्ट में अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। जैसे मिस्टर दास कार, तो दास अपोस्ट्रोफी, जस्ट अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। बाकी ये भी ठीक होता है पर ध्यान रखना। ईस्ट पोएम, तो वाई एस लास्ट में है, सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगा दो, ठीक है। वैसे तो ये भी ठीक है पर हम सिर्फ ऐसे लगाएंगे। अब प्लूरल में बनाते टाइम सिर्फ हम अपोस्ट्रोफी लगाते हैं तो कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी। सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगेगा उन वर्ड्स के साथ जिनके लास्ट में ऑलरेडी एस मेंशन है। कहते हैं प्लूरल फॉर्म लगाते हैं, हॉस्टल मेंट फॉर द बॉयज मतलब बॉयज हॉस्टल, तो सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगेगा। अब इसमें हमें अगर आपने कर दिया बॉयज अपोस्ट्रोफी एस तो ये गलत है। प्लूरल में, प्लूरल वर्ड्स में अगर पहले से एस मेंशन है तो आपको सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगानी है। तो वाई इन वर्ड्स में हम क्यों इतना परेशान हो? हम ऐसे वर्ड्स एक कॉमन रूल लगा लेंगे कि जिन वर्ड्स के लास्ट में ऑलरेडी एस आता है तो सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, जिन वर्ड्स के लास्ट में एस नहीं आता है तो अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे पोसेशन शो करने के लिए। द यूनिफॉर्म ऑफ द सोल्जर्स, सोल्जर्स यूनिफॉर्म, ओनली अपोस्ट्रोफी विल बी फॉलोड। कहते हैं नेक्स्ट में, कहते हैं कि विद प्लूरल नाउन डजेंट एंड विद एस, जिसमें एस नहीं आता है वहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगाएंगे एस के साथ। जैसे कि क्लू फॉर मैन, एम ई एन मैन होता है, मैन का मैन होता है, तो यहाँ पे लास्ट में एस नहीं आया है तो यहाँ पे क्या अपोस्ट्रोफी एस लगेगा। क्लब फॉर मैन है तो मैन्स क्लब। बुक्स फॉर चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रंस बुक। अपोस्ट्रोफी और ओनली अपोस्ट्रोफी एस, ठीक है, ओनली विद लिविंग बींग्स के साथ लगता है, नॉन लिविंग के साथ नहीं लगाना है अपोस्ट्रोफी, उसके साथ ऑफ वाले सेंटेंस चलेंगे। वी डोंट से पिक्चर्स फ्रेम ना, फ्रेम ऑफ पिक्चर, द फ्रेम ऑफ पिक्चर ये ठीक है। द कार्स व्हील नहीं चलेगा, द व्हील्स ऑफ द कार। द रीजन इज, रीजन क्या होगा कि लिविंग के साथ हमें अपोस्ट्रोफी लगाना है, नॉन लिविंग के साथ ऑफ वाले सेंटेंस बनाने होती हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ पोसेसिव सिंगुलर नाउन की अगर हम बात करें तो सिंगुलर नाउन होगा तो अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। जैसे जॉन सन, जॉन्स कैट, जॉन्स कार। सिंगुलर नाउन होगा, लेकिन लास्ट में अगर एस होगा तो अपोस्ट्रोफी एस भी लगा सकते हैं, खाली अपोस्ट्रोफी भी लगा सकते हैं। प्रेफर करना सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाओ, तो दास कार है तो दास अपोस्ट्रोफी एस भी लगा सकते हैं, या फिर सिंपल दास कार भी लिख सकते हैं, ऐसे DAS अपोस्ट्रोफी ऐसे भी लिख सकते हैं। प्लूरल जिसमें एस है तो उसमें सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगानी है, तो माय पेरेंट्स व्यू सिर्फ अपोस्ट्रोफी आएगा। कहते थे प्लूरल नाउन नॉट एंडिंग विद एस होगा तो फिर अपोस्ट्रोफी एस, जैसे वॉमेन अपोस्ट्रोफी आया, क्योंकि लास्ट में एस नहीं था इसलिए अपोस्ट्रोफी एस आया। तो एस यूजली नॉट यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए नहीं लगाना, ये बार बार एक बात बता रहा है कि अपोस्ट्रोफी एस वाले सेंटेंस सिर्फ लिविंग के लिए बनेंगे और नॉन लिविंग के लिए ऑफ वाले सेंटेंस बनेंगे। इफ़ वी ट्रीट ऑब्जेक्ट एज अ लिविंग बीइंग इट इज़ क्वाइट इन ऑर्डर टू यूज अपोस्ट्रोफी विथ कंट्रीज प्रोग्रेस ड्यूटीज कॉल, मतलब ड्यूटी की कॉल है, ये नहीं चलेगा। तो क्या हम बात करते हैं कि इट्स क्वाइट इन ऑर्डर टू यूज अपोस्ट्रोफी विद इन, थोड़े थोड़े सेंटेंस हैं उसमें हम थोड़ा सा प्रैक्टिस से काम चलाएंगे, जैसे ड्यूटीज कॉल, माय कंट्रीज प्रोग्रेस। अदरवाइज नॉन लिविंग के लिए आप ऑफ वाले सेंटेंस बनाओगे और लिविंग के लिए अपोस्ट्रोफी वाले सेंटेंस बनाओगे। वी यूज़ द अपोस्ट्रोफी विद नाउंस डोनेटिंग टाइम स्पेस एंड वेट के साथ भी करते हैं, जो टाइम शो करते हैं डेज जर्नी वीक्स स्टे एंड मीटर्स लेंथ, इस तरह से टाइम स्पेस और वेट, इन तीनों टाइम स्पेस और वेट इसके जो सेंटेंस होते हैं वो भी अपोस्ट्रोफी वाले बनते हैं। टाइम स्पेस एंड वेट के सेंटेंस भी अपोस्ट्रोफी वाले बनते हैं। तो कहते हैं कि नॉट द यूज़ ऑफ द अपोस्ट्रोफी बिफोर वर्थ रुपीज़ वर्थ ऑफ पीनट, तो ये भी ठीक चलता है, एंड 5 रुपीज़ अपोस्ट्रोफी एस विद द शुगर्स ये भी चलता है, ठीक है। तो रुपीज़ में भी अपोस्ट्रोफी एस हम लगा सकते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। रुपी अपोस्ट्रोफी मतलब रुपए की, ठीक है, पोसेशन वाला। द ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल, इसे पोसेसिव फॉर्म में लिखना है, द प्रिंसिपल ऑफिस, ये आप खुद से भी कर सकते हो। फ्रेंड ऑफ माय कजन्स, कजन्स फ्रेंड, आप देख लो प्रिंसिपल के लास्ट में एस नहीं था तो अपोस्ट्रोफी एस लगाया है, कजन के लास्ट में एस नहीं था अपोस्ट्रोफी एस लगाया है, केमिस्ट के लास्ट में एस नहीं था अपोस्ट्रोफी एस लगाया, अपोस्ट्रोफी एस एंड अगेन अपोस्ट्रोफी एस, केमिस्ट अपोस्ट्रोफी एस शॉप, डॉक्टर्स हाउस, पीकॉक्स फैदर, ठीक है। आगे अगर हम बात करें हिज अंकल्स यूनिफॉर्म, डॉक्टर कलाम्स आइडिया, अपोस्ट्रोफी एस लगाया, द रीज़न इज लास्ट में एस नहीं था वर्ड की तो अपोस्ट्रोफी एस लगा। डिक्सन्स नोवेल अपोस्ट्रोफी एस, ईयर्स एब्सेंस, किलोग्राम्स वेट, प्रेसिडेंट स्टेटमेंट, लताज सॉन्ग, ठीक है, अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। सेकेंड एक्सरसाइज में क्या कहते हैं, राइट डाउन द पोसेसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, पोसेसिव फॉर्म्स लगानी है। द फ्लैट इन विच द टीचर्स लिव, तो टीचर्स फ्लैट, अब यहाँ पे ऑलरेडी एस था प्लूरल फॉर्म टीचर्स दिया था तो सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाया। सीट्स मेंट फॉर लेडीज़ एस ऑलरेडी मेंशन है तो सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। बर्ड्स नेस्ट ऑलरेडी एस मेंशन है, अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, बर्ड्स नेस्ट बनाएंगे। डांसर्स का कॉस्ट्यूम तो सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगेगा बिकॉज एस स्टार्टिंग में पहले से ही मेंशन है। पेरेंट्स में एस मेंशन है सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगेगा। वर्कर्स में भी मेंशन है सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगेगा। वो मैन, तो वो मैन का मैन करा हमने, ठीक है, ई आएगा यहाँ पे। वेजेस ऑफ वुमेन, तो वीमेन है लेकिन लास्ट में एस नहीं है तो अपोस्ट्रोफी एस लगेगा। वुमेन लास्ट में एस नहीं है अपोस्ट्रोफी एस लगेगा, ध्यान से करना इनको। मेक दीज एक्सप्रेशन प्लूरल बनाने हैं, तो एलिफेंट्स ट्रंक का मतलब हो गया सिंगल एलिफेंट की ट्रंक, लेकिन अगर हम लिखें एलिफेंट और यहाँ पे लगाएं पहले अपोस्ट्रोफी और फिर एस, इसका मतलब है एक एलिफेंट की ट्रंक। लेकिन अगर हम लिखते हैं एलिफेंट्स और अपोस्ट्रोफी तो इसका मतलब है बड़े सारे एलिफेंट्स की ट्रंक। देखो, एक अपोस्ट्रोफी की पोजीशन चेंज करने से सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो गया। तो एलिफेंट ट्रंक सिंगुलर है तो एलिफेंट अपोस्ट्रोफी एस, प्लूरल हो गया द रीज़न इज, एलिफेंट का एलिफेंट्स करते ही लास्ट में एस आ गया तो सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाया। काओ का काउज करते ही सिर्फ अपोस्ट्रोफी आया। मैन का मैन किया लेकिन लास्ट में एस नहीं आया, अपोस्ट्रोफी एस लगेगा। बेबी का बेबीज किया, लास्ट में एस आया, सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगेगा। चाइल्ड का चिल्ड्रन किया, लास्ट में एस नहीं आया, अपोस्ट्रोफी एस लगेगा। लेडी का लेडीज़ आया, लास्ट में एस आया है, सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगेगा। गर्ल का गर्ल्स है, लास्ट में एस आया है, अपोस्ट्रोफी लगेगा। ऑक्स का ऑक्सन किया, लास्ट में एस नहीं आया, अपोस्ट्रोफी एस लगेगा, ठीक है। तो यहीं पे हमारा नाउन पोसेशन का जो टॉपिक था, नाउन केस का, वो टॉपिक कंप्लीट हुआ। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। Good luck for your bright future. Watch more video content for more learning. Like, share and subscribe Learning Brights to get more and more useful contents. अपने friends के साथ ज़रूर share करना ताकि same content आप discuss करो तो learning में बहुत help रहेगी। जब सारे चैप्टर्स हो जाते हैं तो आपस में डाउट आते हैं तो वो डाउट कुछ आपको याद रहेगा, कुछ उसको याद रहेगा, डाउट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। See you next video. Bye. Thank you.